फ्रांस आपके अनुभव पर मैं अपना ये अनुभव सबसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा पहला अनुभव विभाग में सेवा के पूर्व का है, जब मैं इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष का छात्र था और तृतीय वर्ष के बाद समर ट्रेनिंग के लिए मुझे इलाहाबाद पीडब्ल्यूडी का ऑफ़र दिया गया, जिसमें मैं जब वहाँ अशासी अमदा से मिला तो उन्होंने मुझे सहायक अमिता, जिनका नाम मुझे आज भी याद है, श्री केशव लाल से मिलने को कहा। जब मैं उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में निर्माणाधीन भवन पर जाने के निर्देश दिए और कहा वहाँ मिस्टर सिंह जूनियर इंजीनियर आपको मिलेंगे, उनसे आप काम सीखिए और जो काम वहाँ आपको होता हुआ मिले उसकी स्पेसिफिकेशन आप एक पुस्तिका में लिखिएगा। उनके निर्देशानुसार मैं अपने आवास जो इलाहाबाद के एक छोर पे गंगा किनारे तेलेरगंज में था, वहाँ से उच्च न्यायालय परिसर जो मेरे घर से करीब 11 किलोमीटर दूर था, रोज़ साइकिल से वहाँ मैं जाता था, 10 से 5 तक वहाँ रहता था, उसके बाद शाम को वापस आता था। ये क्रम पूरे 3 हफ्ते वहाँ मैं गया और अवधि समाप्त होने के बाद जब मैं संपर्क किया सहायक अभियंता से कि साहब मेरा वो ट्रेनिंग अवधि हो गई, मैंने ये काम देखा, ये रही मेरी पुस्तिका मैंने लिखा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो मुझसे कभी वहाँ मिले नहीं। मैंने कहा था मैं तो वहाँ 10 से 5 तक नियमित रोज गया एक दिन को छोड़ के, और आप चाहे तो मिस्टर सिंह जो जूनियर इंजीनियर उनसे आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वहाँ रोज़ जाता था, आप मुझसे कभी नहीं, मैं आपको इसका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। और उन्होंने जो शीट मुझे कॉलेज से मिली थी उस पर उन्होंने लिख दिया नॉट अटेंडेड द ट्रेनिंग। तो वहाँ से वो पत्र लेके मैं मायूस अपने एक संबंधी जो मेरे थे पास में रहते थे उनके पास से होते हुए घर जा रहा था, उनके पास गया तो वो मुझे देख के कहे क्या हुआ, बड़ा मुँह उतरा हुआ तुम्हारा, क्या हो गया? तो मैंने कहा मैं ट्रेनिंग पे 21 दिन वहाँ हाईकोर्ट रोज गया था और मुझे प्रमाण पत्र देने से उन्होंने मना कर दिया। तो वो भी पीडब्ल्यूडी के दूसरी शाखा में मंडली लेखाकार थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक कागज तुम मुझे दे दो, तुम जाओ फिर कल हमसे मिलना। तो कल जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे वही चीज़ दूसरे कागज़ पर टाइप करा के प्रमाण पत्र मुझे दे दिया। तो मुझे इस पूरी उसमें काफ़ी दुख हुआ कि मैं पूरी सिंसियरिटी से मैंने अपना जो कार्य दिया गया था मैंने किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा किया गया। तभी मैंने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए मैं अब इस विभाग में सेवा नहीं करूँगा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। और जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैंने जो फॉर्म भरा तो उसमें वरीताक्रम दिया जाना था, तो उसमें सबसे पहले मैंने एलएचईडी, दूसरा सिंचाई और सबसे लास्ट में पीडब्ल्यूडी का नाम लिखा था। कमीशन से मुझे एलएचईडी ही अलॉट हो गया जहाँ मैं पहले से एडहॉक सर्विस कर रहा था, तो मैं यहीं कंटिन्यू कर गया। और जब मुझे एलएचईडी का नियुक्त पत्र प्राप्त हुआ था उसी के साथ मुझे लोक निर्माण विभाग पीलीभीत का भी नियुक्त पत्र मिला था, लेकिन जैसा मैंने तय किया था मैंने उसको छोड़ के और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के वाराणसी के अंदर देवरिया मैंने कारोबार ग्रहण किया और लगभग 40-40 विभाग में सेवा की। मेरा दूसरा अनुभव अपने सेवा के अंतिम समय का है, लगभग वर्ष 2008 का जुलाई के महीने का। उस समय मिस्टर आर के शर्मा प्रबंध निदेशक थे जिन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होना था और नए प्रबंध निदेशक का चयन होना था, तो मुझसे वरिष्ठ एक अधिकारी थे, मेरा नाम दूसरे नंबर पे था। वो मेरे विभाग मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी सीनियर थे और विभाग में भी हमसे सीनियर थे, हम लोग के काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो वो 26 जुलाई को मेरे पास आए, मुझसे कहा कि ऐसा है कि मेरे प्रयास में लगता है कि शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए तुम अपना प्रयास कर लो। मैंने उनसे कहा समझा था कि आप मुझसे सीनियर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से भी विभाग में भी और उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे तो आपके बाद भी अवसर मिल जाएगा, मैं इसके लिए प्रयास नहीं करूँगा।
आप पूरा प्रयास जो संभव हो कर लीजिए। बस केवल मेरा एक अनुरोध है, इन सब के बावजूद भी अगर मेरा चयन इस पद के लिए हो जाता है तो हमारे आपके संबंधों में कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग अब तक रहे हैं वैसे ही हम लोग आगे भी रहेंगे, और जैसा कि बाद में हुआ चयन उनके स्थान पे मेरा ही हुआ उस पद पर। लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि उसके बाद भी उन्होंने अपनी बात रखी और मेरे साथ जब तक वो सेवा में रहे बहुत अच्छे संबंध हमारे उनके बने रहे। कुल मिलाकर इस विभाग को मैंने जब ज्वाइन किया था जिस उद्देश्य से, जिस भावना से कि हाँ यहाँ इनसबॉर्डिनेशन PWD की तरह यहाँ नहीं होगा, वो मुझे इस विभाग में नहीं मिला। और मैं पूरी निष्ठा से विभाग में लगभग 40 वर्ष की सेवा पूरी कर सका। इस विभाग में सेवा पूरी करने में हमारे काउंटर पार्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैं घरेलू दायित्वों में उतना सिंसियर नहीं रहा, उसको पूरा करने का दायित्व इनके सर पर ही था और इनके सहयोग से मैं अपनी पूरी सेवा 40 वर्ष की पूरी कर सका। आशा है आपको मेरे अनुभव ठीक लगे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।